नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कृषि वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए 639 गाँवों को लिया गया गोद। 1229 विलेज में सफाई अभियान शुरू। महिलाओं की वैवाहिक उम्र बढ़ाने वाले बिल पर विचार कर रही समिति का कार्यकाल 3 महीने बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, रोजाना बनेंगे करीब 4 लाख स्वास्थ्य कार्ड। हर जिले में सरकार खर्च करेगी 100 करोड़। गुजरात विधानसभा में बीजेपी की खास तैयारी। अमित शाह बोले, 25% नए चेहरे को मिलेगा टिकट। XBB के अलावा देश में ओमिक्रॉन के 4 खतरनाक वेरिएंट भी है मौजूद। एक्सपर्ट ने किया अलर्ट। 400 के गैस सिलेंडर पर UPI की करते थे आलोचना। 1000 होने पर मुंह तक नहीं खोल रहे। राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला। बिहार में छठ से पहले हर किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपए। CM ने मंजूर किए 500 करोड़। दिल्ली NCR में आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। आम आदमी को इससे कब मिलेगी राहत। खाद्यान्न और ईंधन की बड़ी कीमतें विश्व की सबसे बड़ी चुनौती। फिर भी भारत छोटे गरीब देशों को दे रहा अनाज। जयशंकर। कर्नाटक सरकार पर कांग्रेस का तंज। कहा, PM से सीख रहे बुम्बई। रोजगार के बजाय विज्ञापन पर खर्च कर रहे 4.5 करोड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के काम की गति पकड़ी। दिसंबर 2023 तक काम होगा पूरा। उड़ीसा में पहली बार खेती में ड्रोन का प्रयोग। किसान उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। बंगाल में सितरंग तूफान का असर, कई जिलों में बारिश। NDRF की टीमें तैनात, अलर्ट जारी। राजस्थान में गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग। 3 नए बोर्ड बनाने का प्रस्ताव मंजूर। OBC वर्ग साधने की कोशिश। UP में अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना माना जाएगा क्राइम। अंत्योष्टि के लिए सरकार ने बनाई गाइडलाइंस। दिल्ली सरकार ने छेड़ा प्रदूषण के खिलाफ युद्ध। सड़कों पर उतारी 150 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा लड़ेगी गुजरात विधानसभा चुनाव। लोगों को मिल रहा बड़ा रुझान। गोवा चुनाव में BJP ने 17 करोड़ तो TMC ने खर्च किए थे 47 करोड़। नहीं मिली थी एक भी सीट। हफ्टी कैट के साथ मिलकर नीतीश को घेरेंगे सुधाकर सिंह। मंडी व्यवस्था के लिए मिला समर्थन। पराली नहीं जलाने पर अपने कोटे से दूंगा 1 लाख रुपए, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान। बारिश से बढ़ा डेंगू का खतरा। CM केजरीवाल ने की हाई लेवल मीटिंग, रोकथाम के लिए बनाया प्लान। कर्नाटक में SC/ST के लिए कोटा बढ़ाने को राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी। विधानसभा के अगले सत्र में होगा पारित। भगवान केदारनाथ को 230 किलो सोने का चढ़ावा। मुंबई के व्यापारी ने दीवारों पर जड़वाई सोने की प्लेट। हरियाणा में 2025 तक लागू होगी नई शिक्षा नीति। CM मनोहर बोले, देश में सर्वाधिक शिक्षा बजट हमारे पास। 1:30 के अनुपात में राज्य में शिक्षक और छात्र। राजस्थान में अगले माह से होगा विधानसभा चुनाव का आगाज। दोनों दलों के प्रमुख नेता करेंगे बड़ी रैलियां। दुश्मन के मंसूबे ध्वस्त करेगा भारत का घातक हथियार। पोखरण में AL-50 ने बरपाया कहर। RBI शुक्रवार को बढ़ाएगा ब्याज दरें। और महंगे होंगे लोन और EMI भी बढ़ेगी। आम आदमी की नई मुसीबत, व्हाट्सएप कॉल भी फ्री नहीं। सरकार ने तैयार किया नया ड्राफ्ट। गुजरात चुनाव 2022, कांग्रेस ने किया बड़ा वादा। 15 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देगी। UP में योगी 2.0 सरकार के 6 महीने पूरे। संकल्प पत्र के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर रहा फोकस। शिंदे खेमे के 22 MLA नाखुश। जल्द ही BJP में होंगे शामिल, उद्धव गुट का दावा। मध्य प्रदेश में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने का प्लान। 1000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान। कुत्ते बेलगाम, इंसान परेशान। आवारा कुत्तों से निपटने के उपाय खोजने में जुटी है सरकारें और अदालतें। बारिश से प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर CM शिंदे ने की घोषणा। कैबिनेट विस्तार का दिया संकेत। निगरानी के लिए 750 ड्रोन खरीदेगी सेना। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत जारी किया टेंडर। नाफेड का स्टोर किया हुआ प्याज हो रहा खराब। दामों में बढ़ोतरी के लिए रहिए तैयार। रूठे मछुआरा समुदाय को मनाएगी भाजपा। गुजरात चुनाव से पहले खेला बड़ा दाव, तेल सब्सिडी बढ़ाई। बिहार आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 124 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। सभी साथ आए तो 2024 में बुरी तरह से हारेगी BJP। विपक्षी एकता की रैली में नीतीश की हुंकार।
भारत जोड़ो यात्रा के लिए उत्तरी राज्यों में रहेगी चुनौतियां। अब तक मिले समर्थन को पार्टी ने बताया उत्साहजनक। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर एससी जल्द ही सुना सकता है फैसला। सीजीआई ललित 8 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। सिंधु बॉर्डर पर 26 नवंबर को फिर जुटेंगे किसान। कर्ज माफी समेत एमएसपी गारंटी कानून को लेकर होंगे लामबंद। गूगल पर 7 दिन में दूसरी बार ठुका जुर्माना। सीसीआई ने लगाई 936 करोड़ रुपए की पेनाल्टी। घरों सरकार के 4 साल होने पर बीजेपी का हल्ला बोल, सियासी संकट और अपराध पर घेराबंदी। शराब पीकर करते हैं ड्राइविंग तो हो जाए सावधान, नई टेक्नोलॉजी से गाड़ी खुद हो जाएगी बंद, लगेगा स्पीड पर ब्रेक। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर, भारत मौजूदा वित्त वर्ष में हासिल करेगा 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश। नई आफत की एंट्री, रूसी चमगादड़ों में मिला कोविड वायरस, मौजूदा वैक्सीन कारगर नहीं। पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल फिर आमने सामने, मुफ्त सुविधाओं को रेवड़ी कल्चर कहने पर छिड़ा विवाद। क्रूड कीमतों में गिरावट, मांग पर दबाव की आशंका का असर, पेट्रोल डीजल में राहत की उम्मीद बढ़ी। विश्व का आपूर्तिकर्ता बन सकता है भारत, चीन का विकल्प बनकर विकसित देश बनने की डगर भी होगी आसान। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी सरकार आने से समृद्ध होगा गुजरात का हर बच्चा, भाजपा कांग्रेस पर निशाना। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा का बयान, फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण देश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी एनसीपी और उद्धव सेना, 2024 तक टिकी रहेगी एमबीए की एकता। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, नहीं करेगी गठबंधन, कोलकाता में खोला कार्यालय। अरहर और उड़द की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी, आगामी सीजन में कम उत्पादन से और बढ़ सकते हैं दाम। बिहार का किसान देश में सबसे बर्बाद, राकेश टिकैत ने लिखी नीतीश कुमार को चिट्ठी, जानिए क्यों दी आंदोलन की चेतावनी। अवैसी बोले मुसलमानों का आरक्षण बढ़ाकर 12% करे, भाजपा आरएसएस को बताया ड्रामेबाज। मिशन 2024 से पहले सरकारी योजनाओं के सहारे मुस्लिम समुदाय का भरोसा, आज जीतने की कोशिश में बीजेपी। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता विजय सिंह मनकोटिया बीजेपी में शामिल। इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति के पथ पर देश, सरकार ने 1526 प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए 13.60 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। बिहार में छठ से पहले हर किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपए, सीएम ने मंजूर किए 500 करोड़। जी हाँ, इस बार हुई भारी बारिश और सूखे के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है, बारिश की वजह से फसल और सब्जियों का भारी नुकसान हुआ है, इसी नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि इस साल प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए की राशि छठ से पहले दी जाएगी। इसमें पहले चरण के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान रिमोट से राशि सभी जिलों को भेजी। इससे पहले सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से एक एक कर बात भी की। सीएम नीतीश कुमार ने जिला अधिकारियों को कहा है कि छठ से पहले हर हाल में किसानों तक यह राशि पहुंचा दी जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की नई मुसीबत, व्हाट्सएप कॉल भी फ्री नहीं, सरकार ने तैयार किया नया ड्राफ्ट। जी हां, जल्दी व्हाट्सएप, स्काइप, जूम, टेलीग्राम और गूगल डियो जैसे ऐप्स पर कॉलिंग के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। दरअसल वीडियो कम्युनिकेशन और कॉलिंग ऐप्स के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए केंद्र ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है। नए ड्राफ्ट में व्हाट्सएप, जूम और गूगल डियो को टेलीकॉम लाइसेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है। बिल का ड्राफ्ट सभी के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही विभाग ने बिल पर इंडस्ट्री के सुझाव भी मांगे हैं। अगर बिल पास होता है तो दूरसंचार विभाग इसके हिसाब से चलेगा। ड्राफ्ट में कई नई चीजें शामिल की गई है। इसके मुताबिक सभी कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को अब लाइसेंस लेना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर, एक्सबीबी के अलावा देश में ओमिक्रॉन के 4 खतरनाक वेरिएंट भी हैं मौजूद, एक्सपर्ट ने किया अलर्ट। जी हां, देश भर में त्योहारों का समय चल रहा है इस बीच कोरोना वायरस के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट एक्सबीबी के केस बढ़ रहे हैं। WHO ने आशंका जताई है कि एक्सबीबी वेरिएंट से कई देशों में कोविड की नई लहर आ सकती है। भारत में भी एक्सपर्ट ने कोविड के केस बढ़ने का खतरा बताया है। विशेषज्ञों ने एक्सबीबी वेरिएंट को लेकर आगाह किया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि देश में इस वेरिएंट के अलावा भी ओमिक्रॉन के 4 और सब वेरिएंट हैं, जो काफी संक्रामक हैं। अलग अलग राज्यों से जारी की जा रही जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के ही 4 और सब वेरिएंट के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं।
ये चारों वेरिएंट भी तेजी से फैल रहे हैं और अधिक संक्रामक है। इनमें BF.7 वेरिएंट की वजह से चीन और अमेरिका में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुश्मन के मंसूबे ध्वस्त करेगा भारत का घातक हथियार। पोखरण में LS-50 ने भर पाया कहर। जी हां, स्वदेशी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में हो रही इनोवेशन ने दुनिया को भी हैरान कर दिया है। अब भारत ने जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में LS-50 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ड्रोन कैमरे से लैस LS-50 टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इसे पहले इसका लद्दाख में भी परीक्षण किया जा चुका है। दोनों परीक्षण सफल रहने के बाद इस घातक हथियार के भारतीय सेना में शामिल होने की उम्मीदें बढ़ गई है। LS-50 लॉयटिंग म्यूनेशन एक तरह का मिसाइल है जो ड्रोन की तरह काम करता है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। यह हथियार वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। इसे संकरी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों व दुर्गम क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।